जो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक मैं स्मोक से पेंटिंग बनाया हूँ, और उनका जो बर्थडे है, ये 73 बर्थडे है, तो ये बहुत ही मतलब हमारे लिए खुशी के मौसम खुशी जैसा है, तो इसीलिए मैं उनको मेरा ये स्मोक आर्ट से मेरा पेंटिंग उनको भेंट किया हूँ। जैसा कि आपने जो स्मोक पोर्ट्रेट आपने तैयार किया है, इसके पीछे कोणार्क का जो विल है उसको आपने दर्शाया है, इसका क्या अर्थ है? जी हाँ, आपको पता होगा, अभी 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 कुछ ही दिन पहले विश्व के सारे जो प्रेसिडेंट थे या फिर प्रधानमंत्री सारे देश के थे, वो आए थे, इंडिया आए थे, और G20 में वहाँ पे हमारा जो कोणार्क चक्र है, उसके आगे नरेंद्र मोदी सारे जो लीडर्स थे उनके साथ हाथ मिलाए थे। ये एक बहुत गौरव की बात है, इसलिए क्योंकि ये उड़ीसा को रिप्रेजेंट फिर से कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ से ही प्रेसिडेंट अभी लीड कर रहे हैं सारे इंडिया को, उसी तरह फिर से और एक बार उड़ीसा को पूरे विश्व के सामने वो लाने के लिए जो उनका जो चेष्टा है वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। किस तरह से प्रभावित हुए हैं उनसे? हाँ, एक्चुअली उनका जो लीडरशिप है, और सबसे बड़ा चीज़ है जो भ्रातृत्व भाव, देश हर एक देश समान है, एक एक नीति में, एक उच्च नीति में चलना है, सारे सब सबका सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है इनका। और मैं सोचता हूँ कि गौतम बुद्ध के बाद सेकंड लीडर जो है, जो विश्व दरबार में भारत को उसी पहचान में लाए हैं, और भारत जो नाम इंडिया के बाद भारत जो नाम उसको एक बार वो लाने का जो प्रयास था उनका, इतना टॉप लीड जो उनका जो ऐसा सोच था, वो सबसे बड़ा चीज़ है इस सबके लिए। पोर्ट्रेट को आपको बनाने में कितना समय लगा? हाँ, ये पोर्ट्रेट एक्चुअली मुझे 1.5 घंटा से 2.5 घंटा लग गया, 2 घंटा लगभग। तो इसमें मैं फ्लावर्स भी उनको डेडिकेट किया हूँ, क्योंकि ये स्मोक के ऊपर मैं फ्लावर्स को भी लगाया हूँ, क्योंकि मैं फूल से उनको भेंट देना चाहता हूँ मेरे पेंटिंग के साथ भी। और आई होप सबको ये अच्छा लगे।